हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। टुडे द डेट इज 9th फरवरी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, आई होप यू आर फॉलोइंग दैट मीन्स 450 प्लस सीरीज सीरियसली, बिकॉज उसमें जो टॉपिक हम लोग डिटेल में कवर कर लेते हैं उसको न्यूज़पेपर में हम लोग स्किप करते हैं ताकि हमारा वो टाइम सेव हो, तभी न्यूज़ मीन्स 450 प्लस का मेन पर्पज सर्व होता है। ओके, किसी टॉपिक को हॉलिस्टिकली समझ लिया, कर लिया, उसके बाद फिर डेली न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें। सेकेंड थिंग इज कि आप इसको रेगुलरली फॉलो इसलिए कीजिए क्योंकि आप जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस से, वही आपको मेंस में हेल्प करेगा। यही चीज आपको यूपीएससी पीछे 2-3 साल से कह रहा है दैट इट इज मोर इंटरेस्टेड इन योर जनरल अवेयरनेस एंड हाउ यू लुक एट द इश्यूज एंड यू थिंक अबाउट देयर सॉल्यूशन। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट किसी और के प्रिंटेड मटेरियल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, नहीं, वो फिर आप रॉट लर्निंग में चले जाओगे एंड रॉट लर्निंग आपको हमेशा सिर्फ मेंटल प्रेशर देगी आपके मेंस के लिए। ओके, वो आपको कभी वो कंफर्ट जोन में नहीं ले पाएगी जहां आप यूपीएससी की एग्जैक्ट जो डिमांड है मेंस में उसको एड्रेस कर पाओगे। ओके, सो उस चीज से बचना है और न्यूज़पेपर एनालिसिस को डेली अच्छे से फॉलो करना है, प्लस दिस मेंस 450 प्लस जो सप्लीमेंट्री करता है आपके नॉलेज को। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अब एक गोरे चेहरे पर काले तिल जैसी बात है। गवर्नमेंट लेकर आई ये व्हाइट पेपर कि कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कि यूपीए ने 2004 से 2014 तक इकोनॉमी किस तरीके से चलाई, उसी के रिएक्शन में ब्लैक पेपर लेकर आई है कांग्रेस गवर्नमेंट अगेंस्ट कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 2014 से लेकर 24 तक गवर्नमेंट किस तरीके से चलाई है। ओके, दो यहाँ पर व्हाइट पेपर में ये लोग दूसरी पार्टी की खामियां गिना रहे हैं, यहाँ पर ये लोग इनकी खामियां गिना रहे हैं। बट अगर हम जिस तरीके से देखें प्रेजेंट गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट को भी, वैसे इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको आएगा नहीं, इट्स जस्ट अबाउट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम 2004 से देखें, 2014 और फिर अब 2024 तक, ये फेज था हाई ग्रोथ रेट का वर्ल्ड ओवर ही था, बट 2008 के आसपास आकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए और इसको इस क्राइसिस से हमारी इकोनॉमी रिसेशन में ना चली जाए इसके लिए हमने अपने मनी सप्लाई को बढ़ाना शुरू किया ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए, एक डिमांड जनरेट हो और हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जाने से बच जाए। बट इस वजह से हमारी इकोनॉमी हो गई 2011 तक आते आते ओवरहीट। इसको कहते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसी वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर 2011 के अराउंड आते आते ही पॉलिटिकल साइड पर अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, इस तरह की चीजें शुरू हो गई और शुरुआत हो गई एक तरह के पॉलिसी पैरालिसिस की। जो भी यूपीए गवर्नमेंट में जो भी साथ के पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो उन लोगों ने भी अपने आप को और ज्यादा एडमेंट बनाना शुरू कर दिया था। जैसे सदर जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी इनके साथ, वो श्रीलंका मैटर पर एडमेंट हो गई, वेस्ट बंगाल थी वो बांग्लादेश मैटर पर एडमेंट हो गई। तो 2011 से 2014 तक का जो फेस रहा उसे हम कहते हैं फेस ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। उस टाइम गवर्नमेंट कोई भी नए डिसीजन ले नहीं पा रही थी चाहते हुए भी। ऑलराइट, दूसरा, क्योंकि अब ये जो गवर्नमेंट थी यूपीए की उसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी एज अ पार्टनर एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का हमेशा स्टैंड रहता है दे आर अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन। प्री 2004 में इट वॉज अटल बिहारी गवर्नमेंट दैट स्टार्टेड दिस पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। ओके, थोड़ा तेजी से, बट उसके भी अलग डाउनफॉल थे। मैंने सोशियो इकोनॉमिक वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्यों जरूरी है, बट एट द सेम टाइम करप्शन के केसेस भी उसमें ज्यादा आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ कंपनी नेम्ड बाल्को, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी थी, सब कुछ ऐसे चल रहा था, बट उसको एकदम कौड़ियों के भाव बेच दिया गया प्राइवेट को। ओके, तो इस तरह की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो प्राइवेटाइजेशन, जिनको अधिकतर आप कह सकते हो कि उनको चोला पहना दिया जाता है रिफॉर्म के नाम का, बट सच्चाई ये होती है कि रिफॉर्म वो जहां पर एक लॉस मेकिंग पीएसयू को सेल किया जाए प्राइवेट को कि आप इसको एफिशिएंटली रन कीजिए, ये बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है। लेकिन जब आप एक प्राइवेट चल रही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ही प्रॉफिट में चल रही को ही प्राइवेटाइज करने लगते हो तो वो रिफॉर्म नहीं कहते उसे। ओके, तो ये कहानी थी इनकी। बट इन लोगों ने एक 10 साल में हमने ग्रोथ रेट भी अच्छा अचीव किया, तो अब ग्रोथ रेट ज्यादा था तो ऑब्वियसली बात है कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा ज्यादा ही आएगा ऐसे में। लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही थी 2008 के पहले पहले तक। एटलीस्ट 2014 से 2024 के बीच आते हैं,
इन लोगों ने इनहेरिट किया करीब 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 आप कह सकते हो कि 6% तक की ग्रोथ रेट यहाँ पर ठीक ठाक चल रही थी। ओके, इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया 2016 के आसपास डीमोनेटाइजेशन करके, और इसको कहा गया इट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। बट सच्चाई ये थी कि बाद में गवर्नमेंट ने खुद अपने आंकड़े में कहा कि करीब 6.5 करोड़ छोटे छोटे माइक्रो एंड मिनी एंटरप्राइजेस जो थे वो बंद हो गए थे, और अगर 2 से 3 लोग भी उनमें काम करते थे तो करीब करीब 18 करोड़ लोगों की जॉब गई इसमें। देखिए, फिर 2020 तक आते आते वापस से आ गया कोविड, उसने हमारी ग्रोथ रेट को और ज्यादा नीचे ले गया। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवर करना हमने शुरू किया, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रिमेंबर कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हम लोग हर साल ब्रीच करते रहे, ठीक है, हम अचीव नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने हैवी बोरोइंग किए, सिर्फ 2020 कोविड आने के बाद नहीं, उसके पहले से ही हमारा जो ग्रोथ रेट था वो स्लो डाउन होना शुरू हो चुका था। इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग जीएसटी लेकर आए, और जीएसटी इतना कंफ्यूजिंग था कि उसको समझने में, उसके अकॉर्डिंग स्मॉल बिजनेसेस को एडजस्ट करने में काफी टाइम लग गया। एंड जीएसटी देखिए, अगर वो सिंपल वे में आता कि वन नेशन वन टैक्स सिस्टम के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें इतने ज्यादा स्लैब्स बना दिए गए कि इसने इकोनॉमी को और ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रिकॉशनरी मोटिव में ले गया। ओके, तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे, जैसे फॉर्मलाइजेशन करना, रजिस्टर कीजिए, हर चीज का पेपर वर्क करवाइए, उस वजह से भी काफी सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बंद होते चले गए। इसके बाद आता है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बात की गई कि 270 दिन में इसको पूरा रिफॉर्म वो कर देंगे हम लोग। और हाँ, एक और चीज, इन लोगों ने इनहेरिट किए थे काफी सारे एनपीएस, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक से, अभी उस पर हम आएंगे, एनबीसीज। लेकिन एनबीसी आईबीसी कोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 14.5 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। ओके, मैंने आपको रिलायंस का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एक और कंपनी का एग्जाम्पल दिया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट, कि किस तरीके से 50-50 हज़ार करोड़ लोन लिया जाता है, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है बट प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, और दिखा दिया जाता है कि लॉस में जा रहा है बिजनेस, फिर उसको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में लाके उन्हीं की फैमिली का कोई दूसरा मेंबर बिडिंग कर कर खरीद लेता है उसको। ओके, और कैसे बैंकों का एनपीए बढ़ता है। अब इस एनपीए को जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने एनपीए जैसा था उसको वैसे ही शो किया कि एनपीए बढ़ रहा है, इसको हम धीरे धीरे टैकल करने की कोशिश करेंगे। बट इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन एनपीएस को सीधे राइट ऑफ करवा दो, ठीक है, बैंक बैंक ने इसको राइट ऑफ कर दिया, तो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वहां से तो ये साफ हो गया, तो वहां पे नहीं शो होता। अब तो गवर्नमेंट क्लेम करती कि देखिए हमारे टाइम पर एनपीए रिड्यूस हो गए, रिड्यूस नहीं हो गए, माफ कर दिए गए। हालांकि राइट ऑफ की बात अगर हम करें तो राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि बैंक रिकवर नहीं कर सकता, वो उसके बाद भी कोशिश करता रहेगा रिकवर करने की, लेकिन आरबीआई का डेटा ये कहता है कि हार्डली 1.5% जो राइट ऑफ किया गया था उसका हार्डली 1.5% ही रिकवर किया जा सका है उसके बाद भी। ऑलराइट, तो ये गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि शायद इकॉनमी को डाउन हिल ले गए। अभी तो वही बात है कि कोई चीज अगर ठीक नहीं हो रही तो उसको कारपेट के नीचे छुपा दो और कह दो देखो कोई गंदगी नहीं है कमरे में, और वही काम हुआ यहाँ पर राइट ऑफ के थ्रू। 14.5 लाख करोड़ का लोन माफ करना वॉज नॉट अ गुड डिसीजन, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का लोन माफ किया था, वो भी क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। ओके, तो इसीलिए इस गवर्नमेंट पे हमेशा से एलिगेशन लगते रहे हैं कि ये जो कॉरपोरेट हाउसेस है उनको ज्यादा फेवर करती। अभी इसी आज के पेपर में आपको दिखाऊंगा, महाराष्ट्र से हजारों फार्मर ने सुसाइड किया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का लोन लेते हैं, उसके बाद डेट में दब के 23-24 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं। ओके, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो जानबूझकर एनपीए क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस लोन को राइट ऑफ करवा देते हैं। अब अगर बात करें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ठीक है, तो अनिल अंबानी ने 49,500 करोड़ का लोन लिया, उसके बाद कह दिया कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब इसको आईबीसी में गया तो मुकेश अंबानी ने उसी को लेस देन 1% यानी कि जस्ट 450 करोड़ रुपए देकर वो पूरे एसेट्स परचेज कर लिए। ओके, नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन से कि ये तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है या ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम है इसलिए एनपीए हो रहा है। उस टाइम जो एनपीए हुए वो जेन्युइन रीजन था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि लोग अमेरिका से अपनी कार एयरपोर्ट पर छोड़ के भागे कि यहाँ पूरे जॉब्स चले गए हमारे, उस लेवल का क्राइसिस था। बट इस वक्त ऐसा कोई क्राइसिस नहीं था कि ये कॉर्पोरेट हाउसेस ये क्लेम करें कि हमारा सब कुछ लॉस में जा रहा है। राइट, सो इसीलिए ये जो हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नेक्सस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है इस गवर्नमेंट के अंडर में। राइट, तो बस ये एक दूसरे पर यही सब एलिगेशन चल रहे हैं। बट अगेन द थिंग इज कि आप 2024 में आकर कह रहे हो कि 2004 से लेके 14 तक इस गवर्नमेंट के टाइम पे सब बराबर नहीं हुआ है। और जब 2004 में इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, वी हैव अराउंड अराउंड $30 बिलियन,
$30 बिलियन इन आ फॉरेक्स रिजर्व, और जब 2014 में इस गवर्नमेंट ने रिलिंक्विच किया तो वी वर हैविंग मोर देन $300 बिलियन, एंड वो भी बिना हर सेक्टर में एफडीआई खोले, क्योंकि एफडीआई सेक्टर हर तरफ से खोलने के अपने लॉस हैं, सारा जो प्रॉफिट होता है आपका उधर जाता है, जो शेयर होल्डिंग आपकी जो ओनरशिप होती है वो राइट्स भी डाइल्यूट हो जाते हैं। बट अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो इसने एफडीआई में लगभग सब कुछ ही खोल दिया है, एवरीथिंग। ओके, आप कुछ एक थोड़ा सा रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, इस तरह की चीजें निकाल दें, अगर 3-4 सेक्टर, तो बाकी सब ओपन कर दिया इन्होंने, राइट। बहुत मैसिव प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए ये लोग। उसके बाद इन लोगों ने नया लेकर आए थे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ओके, इसमें हम लोग इसमें काफी तेजी से प्राइवेट लोगों को पब्लिक एसेट्स हैंड ओवर करेंगे, लाइक एयरपोर्ट का मेंटेनेंस एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें आपको वो की जाएंगी प्राइवेटाइज। बट द थिंग इज कि इसको सिर्फ उस टाइम होल्ड पे डाल दिया गया था, 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या जो थोड़ा सा बैकवर्ड है, मार्जिनल कम्युनिटीज है, उनको पसंद नहीं आता है प्राइवेटाइजेशन। बट कहीं ना कहीं ये प्रोसेस और तेजी से स्पीड पकड़ेगा आफ्टर 24 इलेक्शंस। ऑलराइट, तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन भर था। अगेन, एक इकोनॉमी में सभी को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सबके अपने अपने कंसर्न होते हैं। बट एट द सेम टाइम 2024 में पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि 10 साल लॉस, डेकेड, नो नो, दैट वाज रियली नॉनसेंस, क्योंकि उस टाइम ना तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था। आपको याद होगा, अगर आप देखेंगे 2008 के बाद, 2008 के बाद अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर से में काम कर रहे बच्चे, अच्छी अच्छी जगह पोस्ट पे, वो यूपीएससी की तरफ आए। गौरव अग्रवाल वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। ये सब यूपीएससी की तरफ आए, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में डाउनफॉल जा रहा था, और यही रीजन था कि जब 2008 के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कम होने लगी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सोच रखी थी उस वक्त कि हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर जॉब्स नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में बच्चों में बेरोजगारी ना बढ़े, उसके लिए पब्लिक सेक्टर, इसमें रिक्रूटमेंट बढ़ाया जाए। और गवर्नमेंट ने भर भर के बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स निकाले। ठीक, उस टाइम अगर आप यूपीएससी भी देखेंगे, 1300 तक की सीटें निकाली जाती थी, फिर इस गवर्नमेंट ने कम करते करते 2018-19 तक 700 पे ले आए थे, फिर बाद में थोड़ा बढ़ाना फिर से शुरू करा है। ओके, बट जरूरी हो जाता है, देखिए दो चीजें होती है। अभी हमने बजट जो डिस्कशन समझा था उसमें काउंटर साइक्लिकल चीज समझी थी, जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा हो तब पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को अपने इन्वेस्टमेंट कम कर लेने चाहिए और फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए। उसी तरीके से जब हमारा प्राइवेट सेक्टर बूम पे हो तो ऑब्वियस बात है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा जॉब जनरेट करेगा। लेकिन कोविड के बाद से प्राइवेट सेक्टर नीचे चला गया था, तो उस वक्त गवर्नमेंट का काम था कि आप जॉब ज्यादा निकालिए, लेकिन गवर्नमेंट खुद 30 लाख वैकेंसीज रोक के बैठी हुई है। ओके, अगेन वही सब बातें हैं कि खर्चा ज्यादा होता है सैलरी का, पेंशन का, एंड ऑल दोस थिंग। ओके, उसी की वजह से अग्निवीर जैसी स्कीम्स लाई जाती हैं फिर। अरे, तो ये पूरी इनकी पिक्चर है, आप खुद जज कर सकते हैं कौन आपके लिए बेटर था, कौन नहीं। एनीवे, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक सीरियस कंसर्न है। 196 बेबीज वर बॉर्न, हाईकोर्ट टेक सीरियस व्यू ऑफ वेमेन इन बंगाल जेल्स गेटिंग प्रेग्नेंट। देर इज अ सबमिशन मेड बाय एमिकस क्यूरी दैट वेमेन प्रिजनर्स इन वेस्ट बंगाल आर गेटिंग प्रेग्नेंट वाइल इन दी कस्टडी। 196 बेबीज वर बॉर्न इन डिफरेंट जेल ऑफ दी स्टेट्स। एक तो ओवरक्राउडिंग का इशू तो जेल में हम लोग देख ही चुके हैं, पहले भी हमने एक सेशन किया था ओवरक्राउडिंग ऑफ जेल, कैसे हमारी जो कैपेसिटी है जेल में उसकी ऑलमोस्ट 115% लोग भरे हुए हैं उसमें, ठीक है, ओवरक्राउडिंग है। सेकेंड इज, इन्होंने कहा कि देखिए प्रोहिबिशन होना चाहिए ऑन एंट्री ऑफ मेल एम्प्लॉय जो काम करते हैं वहां करेक्शनल होम्स में, इन पे प्रोहिबिशन होना चाहिए कि ये विमेन के जो प्रिजन है, एनक्लोजर्स, उसमें एंटर ना कर पाए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विमेन चिल्ड्रन रेशियो देखा गया, उसके बाद बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, क्योंकि तो किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट एंगल ना आए, यही सब चीजें एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर हाईकोर्ट, और उसने कहा है कि इसको सीरियसली कंसिडर करने की जरूरत है हमें। आगे चलते हैं। राइट, नाउ दिस इज द न्यूज, जस्ट लुक एट दिस। इन 2023 1088 फार्मर्स एंडेड देयर लाइफ इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मराठवाड़ा। ये तो हम सिर्फ महाराष्ट्र के 8 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर पूरे इंडिया लेवल पे जाएंगे तो शायद लाखों में हमें मिलेंगे नंबर ऑफ सुसाइड। और रीजन क्या? डेट। अब वो डेट वहां की लोकल मनी लेंडर से भी लिया जा सकता है या गवर्नमेंट की जो बैंक्स वगैरह है उनसे भी लिया जा सकता है। बट द थिंग इज कि ये पेन कॉमन मैन का वो कोई नहीं देखता है ना। उसी महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, राइट। अब ये सब हम वी ऑल नो, कर्नाटका में भी ये हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ।
अब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इस तरीके से सरकार गिराई जाती है, एमएलए इधर उधर किए जाते हैं, देयर इज ऑलवेज सम मनी इन्वॉल्व, राइट। अब जब नई सरकार आती है, अगर वो 1,000 करोड़ खर्च करके आई है सरकार बनाने में, तो वो रिकवर करती है पब्लिक से, और पब्लिक से ही करती है इन द फॉर्म ऑफ फीस, ठीक है। आप पे फीस बढ़ा दी जाती हैं, आप पे पेनल्टीज लगा दी जाती हैं किसी भी तरह की, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो आ रहे हैं उनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, या फिर आपको मिलने वाली जो सब्सिडीज हैं वो कम कर दी जाती है। बट द थिंग इज कि हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है, बट पब्लिक में वो असर्टिवनेस नहीं है कि नहीं हम इस तरह की चीज नहीं होने देंगे, क्योंकि वो पब्लिक समझने में वो नहीं समझ पाती है कि ये जो आज हो रहा है आपके सामने, इसकी रिकवरी आपसे ही की जाएगी अलग अलग तरीके से। सी दिस पर्सन, ही बोरोड ₹5 लाख फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ओवर द ईयर टू डिग ए वेल। अब ऐसा नहीं है कि उसको शौक चढ़ रहा है कि वो रिश्तेदारों से पैसे लेने जाए, जब गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं मिल पा रहा होगा तभी गया होगा। महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ ऑल सुसाइड्स इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी। साहूकार से लोन लेते हो तो 30-40% पड़ता है, 2-2 लाख रुपए के डेट के लिए ये 26 साल के 23 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं। अब बात बस वही आ जाती है कि जब कॉर्पोरेट्स को आप इस तरीके से पैसे उनके राइट ऑफ करते हो। अब देखिए, जब बैंक ने इतना पैसा राइट ऑफ किया तो ऑब्वियसली बात है कि बैंक का लॉस हुआ। अब बैंक उसको रिकवर करने के लिए क्या करेगा? आप लोग जो सेविंग कर रहे हो वहां बैंक के अकाउंट्स में, आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा, दैट इज वन थिंग। तो आप जो सेविंग्स पे अर्न कर रहे थे वो रिड्यूस हो गया। फिक्स डिपॉजिट अगर आपने किया है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पर भी आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम चार्जेस, पेनल्टी एंड इन सब चीजों के नाम पर आप पे पेनल्टी लगाई जाती है, बैंक अपने लॉस की रिकवरी करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया था कि अब हम लोग सिर्फ 4 ही पब्लिक सेक्टर बैंक और 4 ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कंपनी बस गवर्नमेंट ये रखेगी, बाकी सब प्राइवेटाइज करेगी। हालांकि उस प्लान को रोक दिया गया इलेक्शन सर पे आ गए तो, बट 2024 के बाद ये चीज हो जाएगी, तो काफी सारे बैंक फिर से प्राइवेटाइज होंगे, काफी सारे पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेटाइज होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। गवर्नमेंट ने कहा बजट में कि हम लोग पॉपुलेशन कमेटी बनाएंगे जो पॉपुलेशन को एग्जामिन करेगी। हालांकि सेंसस अभी तक कराया नहीं है पॉपुलेशन का, बट वो कहीं ना कहीं श्योर है कि 26 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिलिमिटेशन करने की जल्दी में है, वो 2031 तक वेट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी टू एक्सटेंसिवली कंसिडर द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। देयर विल बी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज टू मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें सारे इश्यूज एड्रेस करने होंगे इस कमेटी को, जैसे फैमिली प्लानिंग, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेवलपमेंट। कमिटी मस्ट अडॉप्ट एन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच ड्रॉइंग एन एक्सपर्टीज फ्रॉम द फील्ड सच एज डेमोग्राफी, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, गवर्नेंस, ठीक है। कमिटी को इन सभी फील्ड के एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके कुछ डेटा बाहर लेकर आना चाहिए। आइडेंटिफाई इमर्जिंग इश्यूज एंड इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्ट एक्सिस्टिंग इंटरवेंशन। देर शुड बी एम्फेसिस ऑन पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन। इट शुड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम। अब देखिए, इसकी हम बात करते हैं। हमारा जो डेकेड था फ्रॉम 51 to 81, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन बूम, ठीक है, या कह लीजिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये वो डेकेड माना जाता है पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो थी, जहां पर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा एज हाई एज 5% तक हो सकता था, ठीक है। अभी हमारा TFR ऑलमोस्ट आ चुका है 2.1 पर, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, और 2030 तक ये फर्दर गिर के 1.6 1.7 तक जा सकता है। सो दैट विल बी गुड, बट अगेन वेरिएशन है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, इसमें वेरिएशन है नो डाउट, क्लियर। बट यहां पर हमें दो चीजें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पहला बच्चों का एजुकेशन और दूसरा उनकी हेल्थ। क्योंकि देखिए, हेल्थ आपकी किस तरीके की होगी वो सीधे सीधे डिफाइन करती है आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को। अगर आपने बचपन से हेल्थ पर ध्यान दिया ही नहीं है, तो अभी से बात है आपकी सोचने समझने की एबिलिटी, आपकी वो एनालिटिकल क्रिटिकल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि यार कुछ लोगों में कॉमन सेंस थोड़ा वीक होता है, वो स्मार्टली चीजों से डील नहीं कर पाते हैं, वो सीधा सीधा इंपैक्ट होता है उनकी हेल्थ का। तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपकी एजुकेशन पर, एजुकेशन यानी कि सीधे सीधे स्किल्स पर, और स्किल्स से डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी होगी और कितनी नहीं। तो इस कमेटी को इस इन दो चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बेटर हो इसमें। नाउ विद विमेन हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन,
With women having fewer children and working age population increasing and elderly population steadily rising, there has been a decrease in dependency ratio leading to economic growth. अब dependency ratio क्या होता है? See, एक तो 15 साल से छोटे बच्चे और दूसरी तरफ 60 ईयर या 65 कुछ स्टेट के हिसाब से 60 ईयर से ऊपर, ठीक है, इसकी बीच ही पॉपुलेशन होती है सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक, बाकी ये इधर की जो पॉपुलेशन हो इससे छोटी जो पॉपुलेशन वो कहलाती है हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, राइट, इसे कहते हैं हम डिपेंडेंसी रेशियो। तो ऑब्वियसली बात है यूथ पॉपुलेशन हमारी एक्सपैंड होगी तो अब बच्चे कम हो रहे हैं तो ये एरिया थोड़ा डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन सिक्स ओल्ड पीपल क्योंकि अब हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आपकी मेडिकल सर्विसेज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, ये पॉपुलेशन बढ़ेगी ओल्ड पॉपुलेशन भी, लेकिन ये पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ेगी, तो ओवरऑल हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो घटेगा, बट ये पॉपुलेशन स्टेडिली स्लोली स्लोली थोड़ा बढ़ती जाएगी अब। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू बी 1.46 बिलियन बाय 2030, कंप्राइजिंग 17% ऑफ द वर्ल्ड। TFR हमारा डिक्रीज हो रहा है और उम्मीद है कि ये 1.73 हो जाएगा बाय 2031 to 35। इंडिया विल विटनेस ए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैरेक्टराइज बाय डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन एंड एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ओके, तो आपको डिपेंडेंसी रेशियो समझ में आया। नेक्स्ट, दिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा, रियलाइजिंग द पोटेंशियल नेसेसिटीज, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। इन तीन सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना है, बट पिछले कम से कम पिछले 7-8 साल से हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर की तरफ जा रहा है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के अगर आपके डिलीवरी बॉय बन के काम करने को मजबूर हैं तो वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। ओके, और ऊपर से फिर गवर्नमेंट उलझुल इश्यूज लाती रहती है कि रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे। रिटायरमेंट एज बढ़ा दोगे तो फिर इन यूथ को और घर बिठा दोगे आप। देखिए, जिनको रिटायर होना चाहिए उनको आप कह रहे हो हम रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे आपकी, यूथ से कह रहे हो कि आप अग्निवीर ज्वाइन करके 4 साल जॉब कीजिए उसके बाद वापस से आ जाइए फिर नई स्टार्टिंग कीजिए। तो हमें ये इन तीन पे वर्क करना होगा टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड इफेक्टिवली। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि जो ओल्ड पॉपुलेशन भी होगी उसकी भी स्लोली स्लोली उसमें राइज देखने को मिलेगा। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन ग्रेटर डेवलपमेंट इन इट्स ह्यूमन कैपिटल, क्रिएट न्यू जॉब्स जो कि हो नहीं रही हैं, इंटीग्रेट द इनफॉर्मल सेक्टर विद फॉर्मल सेक्टर, एम्पावर द फीमेल लेबर फोर्स टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन रेट। एडिशनली एफर्ट्स टू एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटी, इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। अब जब मैं आपको रिजर्वेशन वाला एससी का रिजर्वेशन इशू भी डील कर रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था रिजर्वेशन देना है नहीं देना है, किसको देना है किसको एक्सक्लूड करना है, वो सब बात की बात है। पहले एक चीज इंश्योर कर लीजिए कि इस इंडिया में सभी स्कूल्स इनके स्टैंडर्ड सेम हो पहले, बिकॉज दैट्स रियली नॉट पॉसिबल कि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कूल में जा रहा है दूसरा एक पुअर क्वालिटी के स्कूल में जा रहा है और दोनों इक्वली कॉम्पीट कर पाएंगे आगे चल के IIT JEE नीट जैसे एग्जाम्स में। ओके, इट्स नॉट अबाउट द कास्ट और रिजर्वेशन सर, इट्स अबाउट द स्कूल एजुकेशन। सो अगर गवर्नमेंट इन पे एक कॉमन स्टैंडर्ड्स, चाहे वो टीचिंग के स्टैंडर्ड्स हो या फैसिलिटीज के स्टैंडर्ड्स हो, एक कॉमन स्टैंडर्ड सेटअप नहीं कर पा रही है तो फिर बाकी के इशू सिर्फ वैसे ही है जैसे पुराने जमाने में मुर्गे लड़ाए जाते थे। ओके, जस्ट कीप ऑन फाइटिंग एंड पॉलिटिशियंस विल बी पुलिंग योर स्ट्रिंग्स। हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, सबसे बड़े चैलेंजेस अगर आज के टाइम में है तो वो यही है। पेंसिल में कुछ दिक्कत हो रही है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, वन ऑफ द की चैलेंजेस इज एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर एवरी सेगमेंट। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इज जस्ट 1% ऑफ GDP जो कि बहुत कम है। वी नीड टू एलोकेट ग्रेटर फाइनेंसेस, स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, इंप्रूव चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ केयर एंड हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ विथ रिगार्ड टू न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन, वी ऑल वी नो ना, जिसे हम हिडन हंगर कहते हैं कि बच्चे को खाना तो मिल रहा है लेकिन बस वही दाल चावल दाल चावल दाल चावल, स्पेशली आंगनबाड़ी टाइप चीजों में या मिड डे मील स्कीम टाइप की चीजों में, बट उसकी न्यूट्रिशन में दिक्कत है। और जब तक वो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा उसकी वो कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप नहीं होंगी कि वो आगे चल के कोई अच्छा काम कर पाए। इट इज लीडिंग टू हंगर, इनसिक्योरिटी एंड इंपेयरिंग फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वी नीड टू एंश्योर द एक्सेस टू एसेंशियल कॉमोडिटीज, न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आर क्रूशियल इन ऑर्डर टू रियलाइज इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 47% ऑफ इंडियन यूथ मे लैक नेसेसरी एजुकेशन स्किल्स फॉर
फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय 2030। अब अगर हमारे 47% यूथ एजुकेशन और स्किल्स ही नहीं हुई उसके पास, ठीक है, बाय 2030, तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट ले लोगे? ओके, और कहाँ से आप अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर पाओगे? टू एड्रेस दीज इश्यूज, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज क्रूशियल, दिस इज वन थिंग। प्ले बेस्ड फ्लेक्सिबल क्यूरिकुला, देखिए सब बच्चों को किताबों से पढ़ी हुई चीज समझ में आए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सब सबका मन किताबों में नहीं लगता, बट आप उस वे में सिखाइए उसे, उतना खेल खेल में सिखाइए उसे कि चीजें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके चीजें सीखने में, राइट। एंगेजिंग द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर्स टू जनरेट डिमांड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, दैट इज सेकेंड पॉइंट। एडिशनली टू ब्रिज द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट एंड टू रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब हमने जब से 2014 से हमने बहुत से इनिशिएटिव देख लिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना ली हमने, प्रोग्राम लॉन्च कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी यहाँ तक कि सबसे बड़ा स्किल पार्क भी बना लिया हमने भोपाल में, बट उसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट दिखने को मिला नहीं। नेक्स्ट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अब देखिए किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए या पॉलिसी के लिए जरूरत होती है डेटा की, बट इस गवर्नमेंट ने अगर सबसे ज्यादा कुछ किया है तो डेटा में ही कमी लाई है, इसलिए इसको अपोजिशन अलीज करता है, एनडीए नो डेटा गवर्नमेंट। इनके पास कोई डेटा होता ही नहीं है, कोविड में कितने डॉक्टर्स मरे हमें नहीं पता, कोविड में लॉकडाउन की वजह से कितनी डेथ हुई हमें नहीं पता, इनके पास कोई डेटा नहीं होता। सिमिलरली पॉवर्टी को लेकर वी हैव नो डेटा। नो, द क्रिटिकल चैलेंज इज एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इज अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेंट एंड रिलायबल डेटा ऑन इट्स पॉपुलेशन विच हैम्पर्स द एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। इंप्रूवमेंट इन डेटा कलेक्शन मेथोडोलॉजीज, ये इंप्रूव करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलेबरेशन विद स्टेक होल्डर्स। इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन मॉडर्नाइजिंग इट्स डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग रोबस्ट सिस्टम फॉर डेटा कलेक्शन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, अडॉप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर डेटा प्रोसेसिंग, एंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सेंसस एंड सर्वे, प्रायोरिटाइज द टाइमली एंड एक्यूरेट एग्जीक्यूशन। एक पता, एनएसओ में दो लोगों ने ये बोल के रिजाइन कर दिया था कि गवर्नमेंट हमको ट्रू डेटा पब्लिश नहीं करने दे रही है। अगर आप 2-3 साल पीछे की करंट अफेयर देखेंगे, न्यूज़पेपर पे गूगल सर्च करेंगे, आपको मिलेगा, देर वॉज वन लेडी एंड वन मैन, उन दोनों ने रिजाइन कर दिया था कि गवर्नमेंट इज फोर्सिंग अस टू पब्लिश ए डेटा जो रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। इंप्लीमेंटिंग रिगरस वैलिडेशन एंड क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज्म इज एसेंशियल टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ पॉपुलेशन डेटा। इंडिपेंडेंट ऑडिट डेटा वैलिडेशन एक्सरसाइजेज एंड पीयर रिव्यू प्रोसेस कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई डेटा एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसी। ओके, वो भी यही कह रहे हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंसी और ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट ऑडिट करने चाहिए। नाउ फाइनली, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन पॉपुलेशन डिवीजन या वर्ल्ड बैंक एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉपुलेशन डेटा एंड एनालिसिस। अब हमारे यहाँ के डेटा कितने फ्लॉड है आप इसे समझिए, गवर्नमेंट कहती है जस्ट 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ओके, जबकि आईएलओ ने कहा कि नहीं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज हाई एज 7% है, ओके। इंडिया डेमोग्राफिक लैंडस्केप प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बाय अडॉप्टिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच टू पॉपुलेशन मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी सोशल इंक्लूजन, इंडिया कैन रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक पोटेंशियल, अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और अब बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट की बात जब आती है तो अगर आप न्यूज डिबेट वगैरह देखेंगे तो बीजेपी के दो प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी एंड संबित पात्रा, इन दोनों से अलग अलग शो में बच्चों ने पूछा था अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। एक ने पूछा कि हरियाणा में आपकी सरकार है सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरे ने पूछा कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, आप लोग मंदिर और हिंदू धर्म इस पे डिबेट कर रहे हो, आप उसके बारे में बताइए। दोनों ने सेम रिस्पॉन्स दिया कि बताइए कश्मीरी पंडितों को क्यों मारा गया, वो सबसे एजुकेटेड क्लास थी कश्मीर की। आई मीन दैट्स हाउ द पॉलिटिशियन डाइवर्ट द रियल मैटर। बच्चों ने पूछा आपसे एम्प्लॉयमेंट पर, आप बात कर रहे हो कश्मीरी पंडित, वो अपने आप में एक अलग मैटर है, वो अलग प्लेटफॉर्म पर आप डिस्कस कीजिए, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में ये जवाब शो करता है गवर्नमेंट कितनी सीरियस इस मैटर को लेके। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसमें प्रियंका गांधी जी ने जब उस टाइम इलेक्शन रैलीस वगैरह चल रही थी, उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी पद खाली पड़े, हम जल्दी भरेंगे इनको जैसे हमारी सरकार बनेगी। इसके बाद अब जब इनके सीएम है, जो इनके सीएम ने कहा है कि नहीं, हमने 1 लाख सरकारी पद नहीं कहा था, हमने कहा था हम 1 लाख रोजगार जनरेट करेंगे, 1 लाख रोजगार पैदा करेंगे, ये कहा था, हमने सरकारी पद खाली पड़े हैं 1 लाख वो भरेंगे ये नहीं कहा था, ठीक है। तो वो सब सेम है,
दी ओनली, अगर इसमें सबसे बड़ा कोई लूजर है तो वो यूथ है जो बटा हुआ है हर जगह अलग अलग। वो एक दूसरे की पार्टी पे एलिगेशन देने को तैयार है, वो एक दूसरे को गाली देने को तैयार है, बट वो रियल प्रॉब्लम समझने को तैयार नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, गोल्डन इंटरवेंशन और स्मोक एंड मिरर। कल भी हमने इस पे एक आर्टिकल देखा था दैट 1 लाख करोड़ का कॉर्पस सेटअप किया जाएगा। इस पे मैं आपको सेपरेट लेक्चर भी दूंगा इधर इन मेंस 450 या ब्रेनस्टॉर्मिंग में, लेकिन हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, आज भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसमें। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो दो बातें दिमाग में अभी से फिट कर लीजिए अपने आंसर के लिए, कि हमारे यहाँ हम लोग लेस देन 1% ऑफ आर GDP स्पेंड करते हैं, हार्डली 0.6% अपनी GDP का स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 70% फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है, यानी पब्लिक फंडिंग है, और सिर्फ 30% आती है प्राइवेट की तरफ से। ठीक है, ये इंडिया की कहानी है। इसराइल इसराइल स्पेंड अराउंड 6%, साउथ कोरिया इट स्पेंड अराउंड 4%। ठीक है, उसके बाद यूएसए चाइना वो सब भी बहुत हैविली स्पेंड करते हैं, लेकिन बात यह है कि उनके यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्पेंड करता है 70% रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और पब्लिक सेक्टर करता है उनके यहाँ 30%। ये मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट अराउंड एंड अराउंड जस्ट उल्टा है उनका और हमारा। तो ये बात याद रखिए, इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी गवर्नमेंट फंडिंग पर ही डिपेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें फेलियर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप कुछ नया बनाने की कोशिश करते हो, कई बार आप फेल भी हो गए उसमें, कई बार हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं, 10 10 साल लग जाते हैं मेडिसिन बनाने में। तो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनी उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है इसमें, जबकि उधर की जो प्राइवेट कंपनीज है मोनसेंटो टाइप की वो ज्यादा इंटरेस्ट लेती है इनमें। नाउ ए कॉर्पस ऑफ रुपीज ऑफ 1 लाख करोड़ विल बी एस्टैब्लिश विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग विद लॉन्ग टेन्योर एंड लो और नील इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप रिसर्च एंड इनोवेशन। द प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन वेरी लो। ओके, जर्मनी साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी GDP के हिसाब से 67, 79, 75, इसलिए मैंने आपको ऑन एवरेज कहा कि 70% उनके यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हमारे यहाँ जस्ट रिवर्स है। अब देखते हैं कि इंडिया में क्यों जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर लीड ले इसमें। वाई प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन नीड टू टेक द लीड। इंडियाज एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन इंक्रीजिंग इन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म में इंक्रीज हुआ है, बट एज अ शेयर ऑफ GDP, एज अ फ्रैक्शन ऑफ GDP इट हैज बीन डिक्लाइनिंग। इंडियाज डेवलपमेंट मॉडल एंड पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये इस वजह से ही है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आया नहीं है इसमें। क्योंकि देखिए यूएस की बात करें तो उसने कहा फंडामेंटल रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू स्पर द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, तो इसमें उनके यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने शुरू से ही काफी कंट्रीब्यूशन किया। जापान साउथ कोरिया ने कहा कि हम टेक्नो नेशनलिज्म फॉलो किया उन्होंने, कि टेक्नोलॉजी हमें इवॉल्व करनी है तेजी से, तभी हम उन कंट्रीज के करीब पहुंच पाएंगे। एंड जापान का तो इतना मिरेकुलस ऐसा राइज था कि विद इन 50 ईयर्स ये देश डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में खड़ा था। ओके, प्रोडक्शन अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ओके, उन लोगों ने फोकस किया इंटरकनेक्शन होना चाहिए बिटवीन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कंपनीज एंड गवर्नमेंट में, जबकि हमारे यहाँ यही लिंक सबसे ज्यादा मिसिंग है बिटवीन अकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज। नाउ टुडे द पर्पस ऑफ इनोवेशन हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंक्लूड एनवायरमेंटल जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी, वाइडनिंग इनकम गैप, डिक्लाइनिंग प्रोटेक्शन फॉर एनवायरमेंटल राइट्स एंड रिसोर्सेज, एंड इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर पब्लिक गुड्स। देयर नीड टू बी नो इम्प्लिसिट वर्च्यू इन प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडिंग द वे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हर चीज इतनी महंगी हो रही है कि अब कोई रीजन रह भी नहीं जाता है कि क्यों इन्वेस्ट करे इसमें। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट क्यों कम करे। गवर्नमेंट अगर अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देगी और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का ही होगा, तो ये जो कॉस्ट है हर चीज की, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, या और पब्लिक सर्विस, ये सब और महंगी हो जाएंगी। नाउ इन द सेम स्पिरिट द पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज नीड टू इंक्रीज स्पेशली एट द स्टेट लेवल इफ ओनली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज एट स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड वर्क ऑन मोर लोकली रेलिवेंट प्रॉब्लम्स। इनोवेशन इज ऑफ लिटिल वैल्यू विदाउट दिस फ्लो एंड विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू लो क्वालिटी एडवांसमेंट। इसको मैं आपको दोबारा ब्रेन स्ट्रॉमिंग में जरूर कराऊंगा या फिर मेन्स 450+ में, क्योंकि है इतना इंपॉर्टेंट कि शायद आ सकता है कोई एग्जाम्पल। एनीवे, यहाँ पर जो कॉर्पस रखा गया उसको मेनली फोकस किया जाएगा सनराइज सेक्टर्स में। ठीक है, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल टाइप की चीजों पे। अभी जितने सनराइज सेक्टर्स हैं ना, ये सब बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं।
तो आप कह सकते हो कि ये जो जितना पैसा रखा गया है इसमें, ये उतना सफिशिएंट तो नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। 1 लाख करोड़ हार्डली 2 बिलियन डॉलर के बराबर आता है। नाउ विथ सो मैनी डिमांड ऑन द कॉर्पस, द गवर्नमेंट नीड टू डिफाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव, वेदर इट विल हैव डोमेन वाइज एलोकेशन एंड टारगेट्स एंड टाइम फ्रेम, एंड हाउ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सिलेक्ट बेनिफिशरीज, वेदर द कॉर्पस विल बी रिप्लेनिश, मतलब और पैसा इसमें डाला जाएगा नहीं। तो इसका ये सीधी सी बात है, अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ अनाउंस किया है, बट आफ्टर द इलेक्शन एक प्रॉपर स्कीम इसके लिए फॉर्मुलेट की जाएगी ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ओके, तो उस टॉपिक को हम और भी डिस्कस करेंगे। शुड कोचिंग भी रिस्ट्रिक्टेड टू 16 ईयर्स एंड अबव, तो ये सब बकवास बातें हमें नहीं करनी है, और वैसे भी ओपिनियन बेस्ड है, बट आपको पता है कि गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लगाए थे कि लेस देन 16 वालों के लिए कोचिंग अलाउ नहीं की जाएगी। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि 11, 12th क्लास और कई बार 10th क्लास से भी बच्चे स्टार्ट कर देते हैं नीट वगैरह की कोचिंग की। अगर आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी, तो मेक श्योर कि स्कूल लेवल में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो सिर्फ रॉट लर्निंग या एग्जाम पास करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिया जाए, ठीक है, ताकि वो नीट और इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी स्कूल के साथ साथ ही कर सके, उन्हें प्राइवेट कोचिंग की तरफ ज्यादा ना जाना पड़े। सेकेंड इज, इन प्राइवेट कोचिंग की तरफ से इंश्योर किया जाए कि वो उस तरह का मेंटल प्रेशर ना डाला जाए, पर वो मेंटल प्रेशर सिर्फ कोचिंग वालों की तरफ से नहीं, वो पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है वो। अरे वो तभी होगा जब स्कूल के फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे, तो बाकी आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाते रहिए उससे कुछ नहीं होगा। द थिंग इज कि स्कूल लेवल पर जो फाउंडेशन है बच्चे की, वो अगर स्ट्रांग होगी, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो उस पर कभी ये प्रेशर आएगा ही नहीं कोचिंग का, क्योंकि वहां पे वो जो पढ़ रहा होगा वो जल्दी कैच कर पाएगा, वो जल्दी सीख पाएगा उन चीजों को। लेकिन अगर फाउंडेशन ही वीक है तो उसकी स्टार्टिंग लाइन ही पीछे हो जाएगी, उसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर वो प्रेशर देन कोटा में बढ़ रहे सुसाइड केस एंड वो सब इशू आ जाता है, ठीक। तो ऐसे आर्टिकल में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा पढ़ने में। पेटीएम पेमेंट बैंक सिस्टम ऑलरेडी मेंस 450+ में 2 दिन पहले लेक्चर दिया जा चुका है, वहां से देख लेना, पूरा इशू क्लियर है पेटीएम का भी एंड ओवरऑल पेमेंट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होता है, इनके सिग्निफिकेंस, इनके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, वो सब वहां पर डिस्कस किया जा चुका है, उस वीडियो में देख लेना, ठीक है। रोज रोज न्यूज पेपर पढ़ के उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम जो थी 16 किलोमीटर दिस साइड एंड 16 किलोमीटर दिस साइड, तो वो कंप्लीट कर दी, बंद की जाएगी अब। ओके, इसके बाद म्यांमार बॉर्डर भी सील की जाएगी। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको मेंस 450+ में कल एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, ओवरऑल बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, नॉट जस्ट विथ म्यांमार बट ओवरऑल बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं, चाहे वो नेपाल के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो या अलग। ओके, तो कल इस पर एक लेक्चर मिलेगा आपको। एंड सिमिलरली, चाहे म्यांमार जो काफी न्यूज में रहा है पिछले कुछ टाइम से, फ्रांस काफी न्यूज में रहा है, बांग्लादेश, ठीक है, और उसके अलावा अफ्रीका, क्योंकि हमने अफ्रीकन यूनियन की एंट्री करवाई है जीएस, तो इन 4 टॉपिक्स पर भी आपको मेन्स 450+ में लेक्चर मिल जाएगा, ताकि ये टॉपिक भी आपकी पूरी तरीके से कवर हो जाए। डोंट लीव दीज थिंग्स की मैं प्री के बाद पढ़ूंगा। ओके, और वैसे भी प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन क्या आया था, आईएमटी कॉरिडोर पे क्वेश्चन था, राइट, कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, माउसो पे एंड सो ऑन। उसी तरीके से हमारा जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसको लेकर क्वेश्चन था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस तरह के 3 स्टेटमेंट दिए गए थे आपको। जब तक आपको तीनों नहीं पता होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वहाँ, राइट। सो यूपीएससी ने पिछले 2-3 साल से यही शो किया है आपको कि जो प्रीलिम्स मेंस के बीच का डिविजन था उसको खत्म कर दिया है उसने। प्रिपरेशन हॉलिस्टिक वे में ही करनी होगी आपको। इंडिया का कलादान प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी उस दिन जब हमने देखा था चिन प्रोविंस में कैसे अराकन आर्मी एक तरीके से चाइना की सब्सिडरी की तरह काम कर रही है, वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, बट हमारा जो कलादान वहां से हो रहा है, जैसे कि पलेटा नाम की जो जगह है, हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है इनकी वजह से, म्यांमार में जो डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। और अब क्योंकि हम खुद ही बॉर्डर सील करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें पता है कि ये सिचुएशन ज्यादा बिगड़ चुकी है। और रखाइन प्रोविंस में हमारी गवर्नमेंट ने कह भी दिया है कि यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो छोड़ दें, आप यहाँ से निकल जाएं, सिचुएशन ज्यादा खराब है। बट एट द सेम टाइम प्लीज, अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, तो जस्ट जस्ट मेक श्योर, ऐसे भी चैनल्स हैं जो हाईली सक्सेसफुल हैं बट वो ऐसी ही बेहुदी न्यूज पर 16 मिनट 20 मिनट की वीडियोज बना के आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये गलती मत करना। वो सुनने में मजे आते हैं, टाइम पास जैसा चीज लगता है, बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप सिंसियर हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपने टाइम को वैल्यू करते हो, तो प्लीज इस तरह की चीजें मत सुना करो। ये हार्डली 1 लाइन का फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करेगा आपके लिए कि अराकन आर्मी से, सॉरी अराकन जो रखाइन प्रोविंस है, वहां से इंडिया ने कहा कि अपने लोगों को जाने को वहां कर, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां की सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और टू बी ऑनेस्ट, कि ये शायद आप अपने आंसर में इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसी बेहुदी न्यूज पर लोग 10 मिनट 16 मिनट 20 मिनट के वीडियो बनाए, आपका टाइम वेस्ट करें, तो फिर वो आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हो कि आपकी एग्जाम के लिए आपको क्या चाहिए और क्या नहीं।
ओके सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच स्टूपिड वीडियोस। इस पलेटवा को ना इसको याद रखिएगा, ठीक है। पलेटवा म्यांमार का है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये चिन मेजोरिटी वाली टाउनशिप में आता है जो इन रेबल्स ने कैप्चर कर रखी है, और ये हमारे कलादान का एक इंपॉर्टेंट नोट था, इसलिए पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि कहां पर है। तो म्यांमार में, ओके, चिन मेजोरिटी प्रोविंस में। नेक्स्ट इस हाउस पैनल कह रहा है कि गवर्नमेंट बजट जो है वो कम कर रही है मनरेगा में। तो हाँ, ऑन एन ईयरली ये कम तो किया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, कास्केडिंग इफेक्ट ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। और ये खुद हाउस पैनल कह रहा है, ऐसा नहीं कि कोई अपोजिशन एलिज कर रहा है। द एलोकेशन शुड इंस्टेड बी बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितनी डिमांड थी, कितना एक्सपेंड हुआ, उस बेस पर आपको डिसाइड करना चाहिए कि अगले साल मुझे बजट इसका बढ़ाना है या कम करना है। ओके, पिछले साल एक्सपेंडिचर अच्छा खासा हुआ, उसके बाद भी अगर मैं बजट रिड्यूस कर दूं तो फिर वो उन लोगों के साथ गलत होगा। ओके, सो दिस इज वन पॉइंट जो आपको किसी भी स्कीम के रिस्पेक्ट में इंक्लूड करना चाहिए अपने आंसर में, कि पिछले साल क्या एक्सपेंडिचर रहा, उस बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि हमें इस साल कितना बजट एलोकेशन करना है। नाउ हियर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ दोज बैकवर्ड इज नॉट टिंकरिंग विद प्रेसिडेंशियल लिस्ट। नाउ सी आर्टिकल 341, 342, इस पे मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक सेशन भी किया था, हम दोबारा भी करेंगे जरूरत पड़ेगी तो, जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो। इसलिए अपने कमेंट सेक्शन बताते रहा कीजिए, जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है हम उसको बार बार रिविजन करेंगे ताकि चीजें क्लियर हो। रॉट लर्निंग से बचना है अपन को लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि अदरवाइज वो जो प्री के बाद 80-90 दिन मिलेंगे वो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। उस टाइम अगर आप चीजें याद करने जाओगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। देखिए, आर्टिकल 341, 342 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिस्पेक्टिवली, यानी कि इनके इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को। लेकिन प्रेसिडेंट लिस्ट बनेगी इन आर्टिकल के अंडर में वो ठीक है, लेकिन कौन डिसाइड करेगा एग्जैक्टली? तो डिसाइड करेगा आपका पार्लियामेंट थ्रू ए लेजिस्लेशन। ओके, जैसे अभी कुछ पीवीटीजीज को ऐड किया था आंध्रा और उड़ीसा से, अभी 2 दिन पहले हमने न्यूज देखी थी, ठीक है। तो आर्टिकल 341, 342 पावर तो देता है प्रेसिडेंट को कि वो लिस्ट बनाएंगे, बट इस लिस्ट में जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किए जाएंगे वो करेगा पार्लियामेंट आपका। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा दिमाग में, अदरवाइज प्री में फंस जाओगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीजन बाय द इंडिविजुअल स्टेट टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट टू द मोस्ट बैकवर्ड ग्रुप्स और द अनटचेबल्स अमंग द अनटचेबल्स विल नॉट अमाउंट टू टिंकरिंग विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। ओके, तो ये जजमेंट जो आया है इसको याद रखिएगा। इसको मैंने 2 दिन पहले अच्छे से डिस्कस भी किया था, आप आज 9 तारीख है ना, तो आप 7 फेब का न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर देखिएगा अगर आपने मिस किया है तो, क्योंकि उसमें हमने रिजर्वेशन से रिलेटेड काफी अच्छे से बात की थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 स्मार्ट सिटीज बन चुकी हैं, तो अब हम इसका नेक्स्ट फेज लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस बार फोकस किया जाएगा टीयर 2 सिटीज पे जो कि स्टेट कैपिटल से 100 किलोमीटर के एरिया में आती होंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटल वे में की जाएंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अंडर द मिशन कुड बी मिस यूज एंड हेंस देयर इज नीड टू इंश्योर राइट टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रॉम साइबर अटैक्स। पाकिस्तान में वोटिंग हो गई है, लेट्स सी कौन जीतता है। वैसे आर्मी ने तो डिसाइड कर ही लिया है नवाज को। ओके, नेक्स्ट ये लोग कह रहे हैं कि इस डेकेड में रेफरेंडम हो सकता है आईडी यूनिटी का। मैं इस पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में शॉर्ट सेशन करूंगा, हार्डली 5 मिनट्स का, जस्ट आपके क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस हर करंट इशू को लेकर। बट मेंस में पूछा जाए दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इनका क्या इशू है नॉर्दर्न आयरलैंड का और मेनलैंड आयरलैंड का, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी मैंने आपको पिछले वीक में ही रिवीजन सीरीज में सारी चीजें एक्सप्लेन की है मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होती है। ओके, देखिए, अगर यहाँ पर आरबीआई ये कहता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें हम एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस करेंगे, यानी कि जो रेपो रेट होगा या तो वो सेम रखा जाएगा या फिर वो रेपो रेट डिक्रीज किया जाएगा। एकोमोडेटिव का मतलब ये होता है, और अगर वो कहता है कि मैं स्टांस रखूंगा कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का, तो उसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट या तो सेम रहेगा या फिर बढ़ाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट टाइटनिंग। ओके, और अगर वो न्यूट्रल स्टांस लेता है, न्यूट्रल स्टांस लेता है तो वो रेपो रेट आपका
बढ़ा भी सकता है, वो रेपो रेट सेम भी रख सकता है और वो रेपो रेट घटा भी सकता है. दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल स्टांस, दिस इज कॉल्ड एज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस एंड दिस इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव स्टांस. ओके, और रेपो रेट की पूरी पिक्चर मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ. रेपो रेट यानी कि आरबीआई से बैंक कुछ अगर पैसा ले रहे हैं तो वो किस इंटरेस्ट पर जाएगा, वो रेपो रेट होता है. ठीक है, अब अगर रेपो रेट डिक्रीज करता है आरबीआई, यानी कि बैंक के पास सस्ता पैसा आएगा तो नीचे वो लोन में सस्ता लोन दे सकते हैं, राइट, इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकते हैं. लोन सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, ज्यादा लोग लोन लेंगे. ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो मार्केट में ओवरऑल डिमांड जनरेट होगी और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको और लोगों को हायर करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा. इस तरीके से काम करता है रेपो रेट. ठीक है, हम प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एस्पेक्ट, एक हफ्ते पहले ही किया हमने. ओके, क्रिस्पर. क्रिस्पर आपको पता है एक तरह का सीजर है, जीन एडिटिंग टूल है. जैसे अगर किसी जीन में कोई दिक्कत है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो जीन को ही एडिट कर दो, उसी को कट कर दो, निकाल दो वहां से. ओके, सो द फर्स्ट जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी सिक्योरिंग अप्रूवल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड बेटा थैलेसेमिया. अब सिकल सेल एनीमिया एंड बीटा थैलेसेमिया पर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेशन कर चुके हैं कि ये दोनों बीमारियां क्या है, किस तरीके से. मोस्टली सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल पीपल्स में होता है. ठीक है, इसके लिए दवाइयां न्यूज में थी क्योंकि एफडीए, यूएस की जो एफडीए, उसने इसको अप्रूव किया है. कैसगेवी एंड लिफजेनिया, दीज आर सेल बेस्ड जीन थेरेपीज अप्रूव बाय एफडीए और ये आपके प्रिलिम्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. तो कैसगेवी और लिफ कैनिया को याद रखिएगा, इट इज सेल बेस्ड जीन थेरेपी. ओके, फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड बीटा थैलेसेमिया. ओके, और इसने यूज क्या किया है, इसने क्रिस्पर नाइन टेक्नोलॉजी ही यूज की है. नो, क्रिस्पर इट इज ए फीचर ऑफ बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. इन ए नट शेल दिस सिस्टम इन बैक्टीरिया सर्व एज ए वेयर हाउस फॉर पास्ट इन्फेक्शन बाय स्टोरिंग ए पार्ट ऑफ वायरल जेनेटिक मटीरियल इनकॉर्पोरेटिंग इन इट्स ओन. अब देखिए, जब इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी पास्ट की, ठीक है, एक तरह से पूरे वेयर हाउस की तरह फंक्शन कर रहा है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कि इस तरह का कुछ अटैक होगा तो मुझे रिकग्नाइज करना होगा, राइट. सो जब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी अटैक होगा द बैक्टीरिया इज केपेबल ऑफ रिकग्नाइजिंग द वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग इट. नेक्स्ट, क्रिस्पर के बारे में जानते हैं. इट इज अ टूल टू कट डिलीट और ऐड डीएनए सीक्वेंस एट ए प्रिसाइज लोकेशन. अब मैं पूरा आपको हिस्ट्री में नहीं ले जा सकता, मतलब बेसिक में नहीं ले जा सकता, क्रोमोसोम और फिर उसके अंदर एंड ऑल दैट. ओके, बट मैंने इसके लिए जो आपको सेशन दिया था प्रीलिम्स में, उसमें मैंने वो डिस्कस किया था एंड आई थिंक इट वॉज लेक्चर नंबर 3 और 4. ओके, तो वो रिविजन से इसमें जो बच्चे हैं उनको पता होगा. ओके, एनी वे, ओपनिंग ओपनिंग डिफरेंट विंडोज, ओपनिंग डिफरेंट विंडोज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर, डेवलप ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स, मॉडिफाई फूड क्रॉप्स और एक्सपेरिमेंट विद डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग दी वूली मैमथ और डोडो. ठीक है, ये डोडो एक स्पीशीज था मॉरिशियस का जो एक्सटिंक्ट हो गया था, तो इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए भी हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. सिकल सेल एनीमिया, ये क्या होता है कि हमारे आरबीसी जो होते हैं, ठीक है, वो ऐसे सर्कुलर शेप के होते हैं, बट ये ना इनका शेप चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके का क्रिसेंट शेप हो जाता है, सिकल जैसा शेप जो आपने विलेजेस वगैरह में देखा होगा. तो ये फ्लो नहीं हो पाते हैं, फ्री फ्लो नहीं हो पाता और इस वजह से ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है उसमें दिक्कत आ जाती है और फिर इंसान को दिक्कत होती है इसमें ब्रीथ करने में. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज है, मोस्टली ट्राइब्स में होता है. वेयर आरबीसी कंट्रोल टू ए सिकल और क्रिसेंट शेप्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन रेस्ट्रिक्टिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी द ऑक्सीजन. इंडिया में करीब 2 करोड़ लोग सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हैं, मोस्टली ट्राइबल्स एंड शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं. कैसगेवी जिसकी कीमत है $2.2 मिलियन पर पेशेंट टू ट्रीट सिकल सेल, तो ऑब्वियसली बात है कि मोस्टली ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट पीपल है तो इसकी कॉस्ट हमेशा से एक इशू बनेगी. ओके, इसलिए इंडियन साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कैसे इस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है. सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन हमने लॉन्च किया था इंडिया में 2023 को. इट एम्स टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम एंड इम्प्रूव द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर टीम. अब देखिए, रेगुलेशन की चीजें जरूर याद रखिएगा और इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल क्लासिफाई जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स. जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स को इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दोज डेवलप थ्रू क्रिस्पर एज न्यू ड्रग, इनको एक ड्रग ही मानता है. ठीक है, आप कोई भी अगर थेरेपी डिजाइन कर रहे हो इवन यूजिंग द क्रिस्पर तो भी वो एक ड्रग ही मानी जाएगी अंडर दीज रूल्स, सब्जेक्टिंग दैम टू थॉरो अप्रूवल प्रोसेस. ओके, बाय सीडीएससीओ.
Moreover, all biomedical and health research in India must adhere to the ICMR National Ethical Guidelines. ठीक है, ethical guidelines को भी adhere करना होगा and health research involving human participant 2017. अभी germline क्या है? ठीक है, आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा एक चाइनीज साइंटिस्ट था रिसर्चर, उसने क्या किया था कि एम्ब्रायो में ही कुछ चेंजेस कर दिए थे और फिर उस बच्चे में जीन एडिट करके जैसे ट्रेट्स उसको चाहिए उसने वैसे ट्रेट्स बना दिए थे. ओके, जो कि एथिक्स का वायलेशन था. अदरवाइज तो फिर ये होगा कि सभी पेरेंट्स डिमांड करने लगे कि हमारे बेटे का लुक ऐसा हो, उसकी आंखें इस कलर की हो, उसकी बॉडी ऐसी हो, राइट. तो ये जर्म लाइन वाला ज्यादा डेंजरस है. ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जर्म लाइन एडिटिंग को लेकर, एक चाइनीज रिसर्चर ने किया था. जर्म लाइन एडिटिंग इज हेरिटेबल. ओके, आप आज जो चेंज करोगे इस बच्चे में, उसकी अगली जब जनरेशन आएंगी ना, तो उसमें वो इनहेरिट होंगे वो सारे ट्रेट. तो आप तो नेचर के अगेंस्ट ले जा रहे हो सब कुछ. जर्म लाइन एडिटिंग इज हेरिटेबल एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड बेग्स द क्वेश्चन इफ इट इज इवन मॉरल टू सब्जेक्ट एन इंडिविजुअल टू हेरिटेबल चेंजेस इवन इफ इट इज टू ट्रीट डिबिलिटेटिंग जेनेटिक कंडीशंस. एज ऑफ नाउ जीनोम एडिटिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू सोमेटिक सेल. ठीक है, अभी तक से सोमेटिक सेल में ही अलाउ किया जाता है. एंड देर इज ए मॉरेटोरियम ऑन जर्म लाइन एडिटिंग. दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. चाइनीज साइंटिस्ट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, उसने जो किया था वो बिल्कुल अनएथिकल था. वी स्टिल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रिस्पर एडिटिंग. ठीक है, क्योंकि आज आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, बट ये तो उसकी एक तो जनरेशन आगे पता चलेगा ना कि आपने जो एडिटिंग की थी उससे कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो गई है कहीं. मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव फॉरबिडन जीनोम एडिटिंग इन ह्यूमन एम्ब्रायो. ठीक है, ये अलाउ नहीं करते हैं हम जो चाइनीज आदमी ने किया, थ्रू लीगल इंस्ट्रूमेंट और थ्रू गाइडलाइंस. द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग इट बिकमिंग ए कॉमोडिटी दैट वेल्दी पेरेंट्स विल एक्सप्लॉइट टू इम्प्रूव द फेट ऑफ देयर चिल्ड्रन नॉट ओनली फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस बट फॉर जेनेटिक एनहांसमेंट. कैसन और फॉरेस्ट डिजीज. देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कर्नाटका के एक फॉरेस्ट से आया है, तो इसलिए इसका नाम भी उसी पे रख दिया गया है. ठीक है, इसको मंकी फीवर भी कहते हैं. इट बिकम एक्टिव ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस. द डिजीज स्प्रेड थ्रू द टिक्स. सिम्टम्स होते हैं रेडनेस ऑफ आईज, सीवियर हेडेक, बॉडी पेन एटसेट्रा, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक. द वायरस हैज बीन फाउंड इन अदर स्टेट्स टू. कर्नाटका के बाहर भी मिला है ये. ओके, तो ये द हिंदू की बात हुई है. आगे चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर. Just a second. राइट, यहाँ पे देखते हैं जो भी इलेक्शन में जीत के आता है पाकिस्तान के साथ, खैर कुछ चेंज होता नहीं है उनके वहां सरकार कितनी भी बदल जाए. राफा नाम की जगह याद रखिएगा जो यहाँ गाजा में है. ठीक है, सारे रेफ्यूजीज अभी वहीं पर इकट्ठे हुए हैं. वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, इसकी बात हमने कर ली है कंपैरिजन. ठीक है, आरबीआई ने अपने रेपो रेट अनचेंज रखे हैं, इस बार कोई चेंज नहीं किया गया है. फ्री मूवमेंट बॉर्डर रिजीम म्यांमार के साथ बंद की जाएगी, वो भी ठीक है, देख लिया है. एक तरफ से आप पुरानी डेडलाइन अचीव नहीं कर पा रहे, फिर आप कह रहे हो उसका फेज टू लॉन्च कर दें. ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन आउटडेटेड हो चुका है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, और वैसे भी जो चीज कामयाबी नहीं हुई है वो पूछी भी नहीं जाएगी. यहाँ पर वही बात है कि एससी में जो एडवांस हो चुके हैं जो लोग, उसको थोड़ा सा बाहर करने की जरूरत है, तो सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इनको रिलेटेड हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इनको बार बार डिस्कस. फिजिकल पॉलिसी हमने बजट के साथ अच्छे से देख ली थी, क्या होता है फिजिकल डेफिसिट एंड ऑल. मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, रेपो रेट वगैरह. ठीक है, रिविजन सीरीज में करवाया जा चुका है. रेपो रेट क्या रखा है आरबीआई ने, 6.5%. फोरकास्ट फॉर जीडीपी ग्रोथ रखी है, 7% तक हो सकती है. रेपो रेट एमएसएफ वगैरह में रिलेशन बताई चुका हूँ. रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और दूसरा है इधर एमएसएफ. ठीक है, अगर इसको रखा है 6.5, अब सपोज कि उनका पॉलिसी कॉरिडोर 0.5 है, तो ये ऑटोमेटिकली 7% हो जाएगा. ये सॉरी ये कम होता है, ये ऑटोमेटिकली 6% हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 7% हो जाएगा. तो आरबीआई सिर्फ इसको बताता है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उनका जो भी विंडो होता है 0.5 का चेंज भी हो सकता है. 0.25 भी किया गया है, और बीच में चेंज भी किया गया था, 0.5 और 0.65 ऐसा चेंज कर दिया गया था. ठीक है, मतलब फैसिलिटी क्या होता है, ये आपको ओवरनाइट टाइप के लोन देता है.
ठीक है। और इसमें आप अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली SLR कोटा वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको भी यूज कर सकते हो, जबकि रिवर्स रेपो रेट में ऐसा नहीं है। आप SLR कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं यूज कर सकते, दूसरी वाली यूज कर सकते हो। ओके, कर्नाटका केरल जो अगेंस्ट सेंटर के अगेंस्ट स्ट्राइक पर बैठे हैं वो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। केरला में जो सीलिंग लगाई गई है उसके बारे में भी, और कर्नाटका और ओवरऑल ही हमने देख लिया था कि जो फेडरल इशू है ठीक है कैसे हार्म हो रहा है इन फिजिकल डोमेन। इस पर मैं आपको मेंस 450+ में सेपरेट लेक्चर भी दूंगा, क्योंकि ये एक प्रोबेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू बनता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रहे हैं नॉर्थ साउथ में। ये सब छोड़िए आप, दिस इज नॉट फॉर यू। एथिकल माइनफील्ड, ये डेटा ट्रांसपेरेंसी की बात करें, न्यूरालिंक को, न्यूरालिंक ऑलरेडी आपको 450+ में पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। एंड नॉट जस्ट न्यूरालिंक, मैंने आपको पूरा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ही समझा दिया था। ओके, तो उस लेक्चर को वहां से रिवाइज कर लेना अगर हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे आपने तो, क्योंकि 450 सीरीज और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का फिर कोई मैटर ही नहीं है अगर वही सेम चीज आपको न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट की जाए। ओके, फिर वहां आपका टाइम वेस्ट ही होगा वो। नाउ सी, बीजेपी अर्न 2000 करोड़ इन 2023, ठीक है, इट इज 23% मोर देन द प्रीवियस फिस्कल एंड 5 टाइम्स मच एज कांग्रेस। ओके, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हार्म करता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के अगेंस्ट आपको शुरू में जब मैं समझाता था मैंने आपको बहुत इंसिस्ट किया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आर दी बिगेस्ट करप्शन जो इंडिया में अभी तक हुआ है। इसने किकबैक और ब्राइबरी को बिल्कुल लीगल कर दिया है। आपको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए ना, आप प्रोजेक्ट अगर सपोज 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है तो आप उसका 10% गवर्नमेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू दे दो सरकार को, सरकार क्या जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में, ठीक है। आप अगर वहां पे दे देते हो उस प्रोजेक्ट का 10% ही, तो आपने एक तरह से ब्राइब ही दी है गवर्नमेंट को उसकी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्ट्रल बॉन्ड देकर। एंड दीस आर जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी ना उसको भी खत्म कर दिया इसने, बहुत पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को किल कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड ने। और कोर्ट में खुद हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है गवर्नमेंट के बिहाफ में वो कहते भी हैं कि पब्लिक हैज नो राइट टू नो अबाउट द फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज रिसीविंग सोर्स ऑफ फंडिंग। ओके, तो फिर जब आप सोर्स बता ही नहीं सकते तो ये तो ब्राइब पूरी तरह से लीगल हो गई है अब तो। दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड टू एवर हैपन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे ये देख लेते हैं श्रीलंका के साथ। अब देखिए LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड का मतलब क्या है? सी, गैस अगर जैसे हम लोग कतर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अब अगर हम इसको गैस के फॉर्म में लाएंगे ना तो ये कितने कितने कंटेनर्स में आप स्टोर करोगे, ठीक है, वो तो वॉल्यूम के हिसाब से स्टोर होती है। इसलिए इसको पहले हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि फिर ये टैंकर्स में फिल करके आसानी से आ जाती है और फिर इसको वापस से गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रीगैसीफाई करना। ओके, हमारे पास दो प्लांट हैं इसके, एक है आपका इधर कोची में और दूसरा है दहेज में गुजरात। इंडिया इज लाइकली टू स्टार्ट सप्लाइंग LNG टू श्रीलंका, कि वी विल बी सप्लाइंग दी LNG टू श्रीलंका बाय एंड ऑफ दिस ईयर, एस्टेब्लिशिंग एन ऑफशोर रीगैसिफिकेशन टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट। ओके, रीगैसिफिकेशन, रीगैसिफिकेशन समझ में आ गया ना, गैस को पहले हम लिक्विड करेंगे फिर वापस से लाकर गैस में कन्वर्ट करेंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। इंडिया लार्जेस्ट LNG टर्मिनल ऑपरेटर है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट LNG हैज लॉन्ग टर्म LNG परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम कतर एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड ऑपरेट्स टू लैंड बेस्ड रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स एट दाहेज इन गुजरात एंड कोची इन केरल। अभी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए जाते हैं, अभी हमने परसों देखा था कि हमने रिन्यू किया है इसको 2028 से 48 तक के लिए, 20 साल के लिए और ले लिया है हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म इसलिए कि यार आज जो प्राइस फिक्स की जा रही है ना इसी प्राइस पे बेचोगे आप मुझे, ये नहीं कि कल को आप कह दो कि यार अभी महंगाई बढ़ गई या कुछ हो गया तो मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ। नो नो, लॉन्ग टर्म का फिर फायदा ही क्या, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर स्टेबल, जबकि जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं कि प्राइस बढ़ गई तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन स्पॉट एंड, ये व्हाइट पेपर है, ये सब बता रहा है यहाँ पर कि GDP ग्रोथ रेट क्या रही उन 10 सालों में। देखिए 7-8% के करीब, 8% के करीब, 8 से ऊपर चली गई 8 के करीब, फिर 2008-09 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और ये सब गिर गई एकदम से, ठीक है। लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वॉज वेरी नॉलेजेबल। ओके, मैं गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगा, मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी नॉलेजेबल। तो उन लोगों ने यही, उन्होंने यही किया, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी ना तो उन्होंने गवर्नमेंट की फंडिंग ज्यादा बढ़ा दी, उन्होंने गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बढ़ा दिए कि बच्चे बेरोजगार ना रहें और उनकी एक सैलरी के थ्रू मार्केट में डिमांड बनी रहे। तो एक ही साल में हमारी GDP ग्रोथ रेट वापस से रिकवर भी कर गई। ओके, नाउ सी, सीधे आप 3.9 से वापस से जंप कर गए। इस टाइम पर पूरा फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में रहा, सिर्फ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने से बिगड़ गया, लेकिन उसके बाद एक साल के अंदर ही वापस से 5 के नीचे भी आ गया था। फिर 2011 से ही अन्ना आंदोलन, ये सब जो मीडिया ने जो
जीना मुश्किल किया था मनमोहन जी का, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम फिर पॉलिसी पैरालिसिस में चला गया। ऑलराइट, बट आप देखिए कि क्यों एक नॉलेजेबल प्रधानमंत्री या एक इकोनॉमिस्ट टाइप का प्रधानमंत्री किस तरीके से उस चीजों को टैकल करता है। और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ना वो जॉब दे पा रहा है, ना वो अभी स्टैंड कर पा रहा है, इन्वेस्ट कर पा रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहा है, जॉब्स भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है, तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट बढ़ा दे, गवर्नमेंट अपने यहाँ से जॉब ज्यादा निकाल दे इस टाइम पर, ओके, और उसके अलावा अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, वही कॉमन सेंस कहता है। बट दिस गवर्नमेंट एक्चुअली रिड्यूस योर जॉब्स, जबकि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट ज्यादा कोविड के बाद से। सो आप इनका ग्राफ देख सकते हैं कि उन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छे से चलाया था। अब यहां पर आइए, तो 2015 में 8.6 और 17 से गिरना शुरू हो गई थी, ठीक है, इस टाइम कोविड नहीं आया है, ओके, और ये आंकड़े भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव नहीं करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट, दो रिसर्चर्स थे, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट के आंकड़े बिल्कुल फेक है, और आपकी ना तो जीडीपी इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, और ना ही आपके यहाँ जॉब इतनी ईजी इतने अच्छे से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इतना नहीं है जितना आप दिखा रहे हो, उससे ज्यादा हाई है। अरे लुक एट दिस, कोविड बाद में आया बट आपको यहीं से गिरना शुरू हो गया, क्यों? आपकी फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। आप डिमोनेटाइजेशन लेकर आए, आप एक फर्जी गलत तरीके का बनाया हुआ जीएसटी लेकर आए जिसमें इतने सारे स्लैब्स लगा दिए आपने, ओके, यहीं से इकॉनमी गिरना शुरू हुई। फिर कोविड का टाइम आया और ये 3.87 पे चली गई, और फिर उसके अगले साल तो माइनस में चली गई, राइट। और ये 9%, आप 9% में देखिए, ये वैसी ही कहानी है जैसे कि अगर 50% वाला बच्चा 75 पे जाता है तो जंप ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर 70 वाला 75 पे जाता है तो जंप कम दिखता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जा चुकी थी, तो ऑब्वियसली बात है कि अगले बेस ही कम हो गया ना, बेस इफेक्ट बोलते हैं इसको, बेस कम हो गया तो अगली बारी जो ग्रोथ है वो तो ज्यादा दिखेगी, राइट। सो दूसरे के अगेंस्ट आप व्हाइट पेपर लेकर आओ, उससे बेटर है कि आप अपनी अचीवमेंट्स गिनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, ओके। यहाँ पर गवर्नमेंट ने मूवीज को कहा है कि आप जरा डिसेबल फ्रेंडली बनाइए जिनको सुनने में दिक्कत होती है, तो सेक्शन 29 एंड 42 ऑफ राइट टू ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इट मैंडेट दैट गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। 2.21% पॉपुलेशन है हमारी डिसेबल, एंड 19% ऑफ दीज आर विजुअली इम्पेयर्ड एंड 19% ऑफ हियरिंग डिसेबल। यहाँ पर गवर्नमेंट से भी एक पॉलिसी लेकर आई है कि हम कैसे मूवीज वगैरह इनके लिए थोड़ी बेटर बना सकते हैं, ओके। सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी कोटा ऑलरेडी समझ चुके हैं, 2 दिन पहले वाला देख लेना, 7 फरवरी का न्यूज एनालिसिस, ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है, ठीक है। तो सही, नाउ आई अगेन एम्फसाइज यू, अपना मेंस 450+ एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन जरूर वॉच कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इट कम वेरी एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ जस्ट 500 पर मंथ, जस्ट टू हैव दैट लेवल ऑफ सिंसियरिटी फ्रॉम यू, एंड आई डोंट फील लाइक डिस्करेज कि लोग देख नहीं रहे हैं, तो जिनको देखना है उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट डेज की प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जो चल रही है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इजी एस पाई यूपीएससी, द गोल इज जस्ट टू मेक योर प्रिपरेशन इजी, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।